दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है रेसिंग ड्रोन में यूज होने वाला कैमरा और इस कैमरा को हम अपनी मल्टी रोटर ड्रोन, आरसी प्लेन, वीटॉल एयरक्राफ्ट, रोवर और भी बहुत सारे अलग अलग साइंस प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये कैमरा FPV प्लस 4K फुल HD है, मतलब आप अपने ड्रोन की रियल टाइम एनालॉग वीडियो को देखकर ड्रोन को फ्लाई भी कर सकते हो, साथ ही 4K फुल HD में वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। यही नहीं, आप 4K फुल HD वीडियो की रिकॉर्डिंग को अपने ड्रोन के रेडियो ट्रांसमीटर से ही ऑन और ऑफ कर सकते हो। इस कैमरा में हमें और भी बहुत सारा एडवांस फंक्शन मिलता है जिसे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और एंड में हम इस कैमरे का वीडियो फुटेज भी देखने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों ये कैमरा रन कैम की तरफ से आता है और इसका नेम है हाइब्रिड 2। सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स को ओपन करते ही एक कार्ड दिखता है और इस कार्ड में दिए गए लिंक से हम आसानी से इस प्रोडक्ट के यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है हमारा मेन यूनिट रन कैम हाइब्रिड 2 और ये इस बॉक्स के अंदर बहुत ही सेफ पैकेजिंग के साथ आता है। और इस पैकेट के अंदर SD कार्ड को लॉक करने के लिए प्लास्टिक कवर, 3-पिन FPV सिलिकॉन केबल और M2 स्क्रू का सेट है। इस कैमरे का वेट ओनली 18 ग्राम्स है और हम इसे स्मॉल एंड बिग दोनों ही ड्रोन में आसानी से यूज कर सकते हैं। ये है इस कैमरा का टॉप और यहाँ पर रन कैम का ब्रांडिंग दिया गया है। कैमरे के बैक में यहाँ पर इसका नेम हाइब्रिड 2 दिया गया है एंड यहाँ पे 4K एंड FPV मेंशन किया गया है कि ऊपर का जो हमारा लेंस है वो 4K है और नीचे का जो लेंस है वो FPV है। ऊपर वाला लेंस 4K वीडियो को रिकॉर्ड करता है SD कार्ड में और नीचे वाला लेंस रियल टाइम एनालॉग वीडियो प्रोवाइड करता है जिसे हम FPV रिसीवर के मदद से FPV गॉगल्स, LCD स्क्रीन, PC और स्मार्टफोन पर देख सकते हैं। इस कैमरे को ड्रोन फ्रेम में माउंट करने के लिए कैमरे के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ दो दो M3 बोल्ट का थ्रेड दिया गया है जिससे हम मनचाहे एंगल में इसे अपने फ्रेम में माउंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस कैमरे के हर साइड के मेजरमेंट को देख सकते हो। यह है इस कैमरा का मेन बोर्ड और इस बोर्ड में स्टैंडर्ड साइज 20x20mm माउंटिंग होल दिया गया है। दोस्तों इस कैमरा के ऊपर वाले लेंस में हाई क्वालिटी 7 लेयर ऑफ ग्लास लेंस प्लस सोनी सेंसर का यूज किया गया है जो 145 डिग्री व्यू एंगल और हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करता है। नीचे वाले लेंस में 1.3 मेगापिक्सल सोनी का सेंसर यूज किया गया है जो 150 डिग्री व्यू एंगल और बेटर FPV एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और ये है इस कैमरे का मेन बोर्ड का टॉप। आइए हम इसके लेआउट्स को समझते हैं। इस बोर्ड के टॉप में हमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है और SD कार्ड को लॉक करने के लिए हम इसके ऊपर से एंटी ड्रॉप शील्ड लगा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पावर और शटर बटन दिया गया है और इसी के नीचे मोड स्विच बटन दिया गया है। हम यहाँ पर 128GB तक के SD कार्ड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि 2.7K 60fps और 1080px 120fps पे वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए U3 SD कार्ड को यूज करना है, वरना फिर आप U1 और U2 भी यूज कर सकते हो। एंड अब हम SD कार्ड को लॉक करने के लिए एंटी ड्रॉप शील्ड लगा सकते हैं। ये है इस बोर्ड का बॉटम और बॉटम में हमें बहुत सारा छोटा छोटा सोल्डरिंग पैड्स देखने को मिल जाता है जिससे हम इसका कनेक्शन करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर पहले से ही 3-पिन FPV सिलिकॉन केबल को कनेक्ट कर लिया है। आप इस केबल के कलर को ध्यान में रखते हुए इस डायग्राम को देखें। यहाँ पर रेड VCC है जिसमें हम 5-20V इनपुट दे सकते हैं, ब्लैक हमारा ग्रैंड है और येलो वीडियो आउटपुट। यही हमारा ग्रीन और ब्लू TX और RX है जो हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होगा और हम अपने रेडियो ट्रांसमीटर के मदद से इस कैमरा के 4K वीडियो को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस कैमरे के साथ हम FPV वीडियो ट्रांसमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। इसके लिए आप इस डायग्राम को देखें। यहाँ हमने वीडियो के येलो वाले वायर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है और पावर के लिए हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का यूज किया है। इस कैमरे का एक और खास बात यह है कि यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ दो छोटा छोटा सोल्डरिंग पैड्स मिल जाता है जिसके साथ हम OSD की पास बोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं और इस OSD की पास बोर्ड से हम ऑन स्क्रीन डिस्प्ले में ही इसके FPV कैमरा सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और 4K HD कैमरा के पैरामीटर्स को सेट करने के लिए रन कैम की तरफ से एक एप्लीकेशन है जिसे हम प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नेम है रन कैम ऐप। मेरे फोन में ये पहले से ही डाउनलोड है तो हम इसे ओपन कर लेते हैं।
ओपन करते ही हमें सबसे पहले अपने डिवाइस को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रन कैम का बहुत सारा डिवाइस है, लेकिन हम यहाँ पर हाइब्रिड 2 सेलेक्ट करेंगे। अब हमें QR कोड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम अपने कैमरा के वीडियो क्वालिटी को सेट कर सकते हैं, लूप रिकॉर्डिंग को सेट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को ऑटो रिकॉर्ड पे भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ इस कैमरे से हम अलग अलग रेजोल्यूशन में वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं। यही नहीं, इससे हम कैमरा के वॉल्यूम, IOS और शटर को भी सेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये समझ लो कि इस कैमरे का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। सब कुछ सेट करने के बाद हमें अप्लाई पर क्लिक करना है और हमारे सामने एक QR कोड आ जाएगा। नीचे हमने जो भी सेटिंग्स किया है वो सब कुछ हम देख सकते हैं एंड यहाँ पे हमें सिंपली अपने कैमरे से इस कोड को स्कैन करना है। इस वक्त हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए और ऑटोमेटिकली इस बार कोड को डिटेक्ट करके कैमरा वो सारा सेटिंग्स अपने अंदर ले लेगा। सच मानो ये बहुत ही कमाल का है। तो आइए बिना देरी किए अब हम इस कैमरे का वीडियो फुटेज देखते हैं। तो दोस्तों इस स्क्रीन में आपको दो वीडियो फुटेज दिख रहा है। ये है 1080 पिक्सल 30 FPS पे जो मैंने रिकॉर्ड किया है HD कैमरा से एंड ये हमारे SD कार्ड में सेव होता है। यहीं दूसरे तरफ जो आप देख रहे हैं ये है FPV का वीडियो फुटेज जो कि हम लाइव देख करके, मतलब रियल टाइम पे देख करके ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं। इसमें ज़रा सा भी लाइक नहीं है और ये रिकॉर्ड नहीं होता है, ये हम ऑन स्क्रीन देखते हैं और इसे देख करके ड्रोन को फ्लाई करते हैं। दोस्तों ये कैमरा आप लोगों को कैसा लगा, कैमरे का वीडियो फुटेज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।